इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया है और विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने 2 संशोधन विधेयक भी पास करवाए हैं। विधानसभा शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसी हंगामे के चलते विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सदन में हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पास हो गया है। सरकार ने 2 संशोधन विधेयक भी पास करवाए हैं और विधानसभा शुरू होते ही महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसी हंगामे के चलते अनिश्चित काल के लिए विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और इसी हंगामे के बीच में सदन में अनुपूरक बजट पास हो गया है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद राजेश जी। क्या कहेंगे आज जो ये हंगामा हुआ है, जिसके चलते मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? चाहे लोकसभा हो या मध्य प्रदेश की विधानसभा हो जी, जो विपक्ष का इस तरह रवैया है वो मेरे लिए समझ से परे है। क्योंकि जब विधानसभा और संसद जो होते हैं, उनका मुख्य कार्य जो है वो कानून बनाना है जी। तो कानून बनाना, संशोधन करना, ये सब की चीजें चलती हैं, तो इन पर आपको सार्थक रूप से बहस करना चाहिए और इस बहस करने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप प्रावधान है क्या नहीं है, तो ये इन सब चीजों से अनुपूरक बजट है। अब जो जनता की बड़ी कमाई का पैसा जो है वो सरकार खर्च करती है विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद, विपक्ष को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ये करना चाहिए कि वो देखें कि जो जो प्रावधान किए गए हैं उसमें कोई फालतू के तो नहीं किया गया, जनता की धनराशि का जो है दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुफीद है कि नहीं है। तो ये सब चीजों के लिए आपको तैयारी स्टडी करना पड़ती है, वो ये करना नहीं चाहते। अब ये कुल लेके उस पेट्रोल का मामला लेके हंगामा कर दिया कि हमें स्थगन चाहिए और अभी आज ही चर्चा चाहिए। अब देखिए पेट्रोल की कीमत स्थगन जो होता है जी, जिसकी मांग कमलनाथ कर रहे थे, वो तो इतने दीर्घ अनुभवी व्यक्ति है, 9 बार सांसद रहे हैं, विधायक है और सबसे सीनियर मोस्ट सांसद है भारत देश के, मतलब अभी तक, तो उनको तो ये बात पता होना चाहिए कि स्थगन काल का होता है ये तात्कालिक महत्व का, एकदम कोई एकदम ऑल ऑफ सडन कोई बड़ी घटना हादसा हो जाए, अगर वो कहते कि हाँ बाढ़ की स्थिति पर वो करा है तो एक बात समझी जा सकती है जी। लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो 2 साल से लगातार बढ़ रही है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि सदन के बाकी सारे काम काज, जरूरी जो कानून संबंधी बनाने वाले काम काज है उनको रोक उनके स्थगन पर चर्चा कराई जाए। और जब क्योंकि 2 दिन और समय था तो वो समय लेना चाहिए, क्योंकि जितने समय विपक्ष जो है सरकार को विधानसभा या संसद में रखेगा, घेर के रखेगा, कटघरे में रखेगा, सरकार उतनी ही सांसद में होती है। लेकिन आप जी हंगामा करके तो उनको सहूलियत दे देते हैं, वो सारी चीजें जो है यहाँ चर्चा के पारित करा के जो सरकारी अफसर होते हैं और नेता होते हैं उसकी मंशा के मुताबिक वो करके वो निकल जाते हैं पतली गली से। तो इसमें तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रायोजित टाइप का ही हो रहा है कि हमें आप चलेंगे ना, आप अपना काम निपटा लीजिए और हमें 4 दिन भी नहीं बैठना है, तो ये अच्छी संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए जी। राजीव जी, आपको क्या लगता है क्या कारण है, किस रणनीति के तहत कांग्रेस इस तरह का व्यवहार कर रही है और आज जिसके चलते इतना हंगामा किया गया है और विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, क्या कारण है, क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की? देखिए रणनीति अगर कोई होती तो वो तो ये होती कि 4 दिन सदन चले और सरकार को विपक्ष घेर है। सिर्फ हंगामा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए जी। इस सूत्र वाक्य के साथ में इनको चलना चाहिए विपक्ष को, आप उनको खुली छूट दे रहे हैं जी। क्योंकि ये जब तक विधानसभा चलती सरकार की आला अफसर जो है सारे लोग जो है एक संकट के उसमें रहते हैं,
सत्ता के मोड में, तो आपने हंगामा कर दिया, तो ना चलो हो गया। आप अपना ही अरे सारे विधायकों का, न केवल सत्ता पक्ष के विधायकों का बल्कि विपक्ष अपने खुद के विधायकों का भी मान सम्मान व मर्यादा को तार तार कर रही है। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर है जहां विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते सदन में आज हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा कर दिया और इसी हंगामे के चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। Oh, my God.